बचा है डॉक्टर साहब, हमारे जीने का कोई मकसद नहीं है। तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे पेट में बच्चा है। शायद मारा गया सड़क हादसे में। पता नहीं जन्म जली किधर है। घर में बैठे बैठे मन उदास हो जाता है। अगर आप हमें अस्पताल में कोई काम दिला देंगे तो मन बहल जाएगा। उनको बोलो कि पुलिस रिपोर्ट का इंतजार करे बगैर, इलाज फौरन शुरू करे, बस मैं पहुंच रहा हूँ। काना तो खाकर जाइए, डॉक्टर भंडारी है ना वहाँ पर। नहीं, वो हमारे बहुत करीबी है। असल में उस पर हमला भी हमारी वजह से हुआ है। क्या हुआ था वकील साहब, वो लोग पीछे पड़ गए थे क्या? पता नहीं यार, कल कोर्ट में जो केस फाइल करना था बस उसी की फाइल देख रहा था, कब इतना वक्त हो गया पता नहीं चला। और रास्ते में जब घर वापस आ रहा था तो किशनगंज पड़ता। अच्छा, वो सड़क कितनी सुनसान है तुम तो जानते हो। हाँ, और आजकल वहाँ की सारी लाइट्स भी तोड़ रखी है, इतना अंधेरा रहता है वहाँ पे। तो उन लोगों ने वहाँ पे कुछ तेल वगैरह गिरा रखा था सड़क पे। सिस्टर तेरा पीछे से दीजिएगा बट्टी। हाँ तो ऊपर। हाँ फिर जैसे ही मेरा स्कूटर वहाँ से निकला, हाँ, स्कूटर स्लिप हो गया, मैं गिर गया। मेरे गिरते ही उन्होंने हॉकी स्टिक से मारना शुरू कर दिया। चोट काफी गहरी लगी। अरे वो तो किस्मत अच्छी थी कि उसी वक्त एक कार वहां से गुजरी, कार का हॉर्न सुन के और उसकी लाइट देख के वो लोग भाग गए, क्योंकि उनको मालूम था कार की लाइट में मैं उनको पहचान लूंगा। राइट, इसलिए भाग। बस बस, तब कहीं जाकर जान बची और तुम्हारे पास पहुंचा। चलो ठीक है, आ जाओ। आराम से। यार मुझे बेहद अफसोस है, ये सब मेरी वजह से हुआ। क्यों भाई, इसका क्रेडिट तुम क्यों ले रहे हो? आसिफ, वो जरूर जहांगीर खान के आदमी होंगे। यार मैंने तुम्हारी जान को भी खतरे में डाल दिया, हमें पुलिस में अभी इत्तला करनी चाहिए। नहीं आसिफ, मुझे नहीं लगता अभी हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है जिससे हम ये साबित कर सकें कि वो लोग जहांगीर खान के आदमी थे। और खाम खाम नहीं।